बॉलीवुड के बादशाह की बादशाहत आईपीएल में भी देखने को मिली है। 10 साल बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है। ऐसे में शाहरुख और उनके परिवार के लिए ये बेहद खास पल था। स्टेडियम से कुछ ऐसी झलक सामने आई है जिसे देखने के बाद शाहरुख के फैंस इमोशनल नजर आएंगे। सुपरस्टार शाहरुख खान की टीम केकेआर ने आईपीएल 2024 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। रविवार रात चेन्नई में हुए इस फाइनल मैच में शाहरुख अपने पूरे परिवार के साथ टीम को चीयर करने के लिए स्टेडियम में ही मौजूद थे। शाहरुख की टीम ने जैसे ही विनिंग शॉट लगाया, शाहरुख ने उठकर सबसे पहले वाइफ गौरी को गले से लगा लिया। इसके बाद शाहरुख ने बेटी सुहाना को हक किया। पिता को हक करते हुए सुहाना इमोशनल हो गई। शाहरुख के दोनों बेटे अब्राम और आर्यन ने भी उन्हें गले से लगा लिया। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स इस साल आईपीएल की चैंपियन है, जिसने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में हराया है। इस दौरान खुशी ही नहीं, काफी इमोशनल माहौल भी देखने को मिला। इसी बीच एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, इसमें सुहाना खान इमोशनल होते हुए पिता शाहरुख को गले से लगाती हुई नजर आ रही हैं और उनसे कुछ कहती हुई दिख रही हैं। फैन पेज पर शेयर किए गए वीडियो में केकेआर की ब्लॉकबस्टर जीत के बाद शाहरुख खान खुशी से फूले नहीं समाते दिख रहे हैं, वहीं अपनी फैमिली और दोस्तों को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे क्लिप में अब्राम भी गले लगाते हुए नजर आते हैं, वहीं फिर आर्यन खान भी अपने पापा को हक करते हैं। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स इस साल आईपीएल की चैंपियन है, जिसने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में हराया है। इस दौरान खुशी ही नहीं, काफी इमोशनल माहौल भी देखने को मिला। स्टेडियम में मौजूद शाहरुख पूरे मैच के दौरान व्हाइट मास्क लगाए हुए नजर आए। बता दें कि फाइनल मैच से कुछ दिनों पहले तक वो हीट स्ट्रोक के चलते हॉस्पिटल में एडमिट थे। 21 मई को हुए आईपीएल मैच के बाद तबीयत बिगड़ने पर शाहरुख खान को अहमदाबाद के केडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहां 2 दिनों तक उनका इलाज चला। जानवी कपूर और राजकुमार राव भी इस फाइनल मैच में अपनी अपकमिंग फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही का प्रमोशन करने पहुंचे। फाइनल मैच के दौरान शाहरुख की बिजनेस पार्टनर और एक्ट्रेस जूही चावला भी केकेआर को चीयर करने पहुंची। वहीं सुहाना खान की क्लोज फ्रेंड्स एक्ट्रेस अनन्या पांडे और शनाया कपूर भी स्टेडियम में मौजूद रहीं। दोनों एक्ट्रेसेस के पेरेंट्स चंकी और भावना पांडे, संजय और महीप कपूर भी वहां मौजूद थे। वक्फ्रंट की बात करें तो शाहरुख की आखिरी फिल्म पिछले साल रिलीज हुई डंकी थी। इन दिनों वो बेटी सुहाना और बेटे आर्यन के डेब्यू प्रोजेक्ट्स पर उनकी मदद कर रहे हैं। वो बेटी की डेब्यू फिल्म किंग में कैमियो करते हुए नजर आएंगे। केकेआर के जीत पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।